तो अगला टॉपिक हम लोग आज समझने वाले हैं कैमरे के बारे में। यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में अगर कैमरा नहीं काम करता तो हम लोग उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं। कैमरे का मतलब होता है कि जैसे आप कोई भी फोटो खींचते हो तो फोटो खींचते समय फोटो कैसी आती है, धुंधली आने लगती है, या तो फोटो में क्लियरिटी कम आने लगती है, या तो ऐसी प्रॉब्लम आती है कैमरा ऑन नहीं होता। क्या दिक्कत है अमित सर? या तो कैमरा ऑन नहीं होता, क्या दिक्कत आती है? कैमरा ऑन नहीं होता, यह तो कैमरा चालू करते समय उसमें लिख कर जाता है कैमरा मॉड्यूल नॉट रेडी। क्या लिख जाता है? यह तो कैमरे में सबसे पहले प्रॉब्लम आता है क्लियरिटी का, किसका साफ सुथरा नहीं आता, धुंधला बनाता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है मैसेज आने लगते हैं, मतलब कैमरा चालू करने पर लिख के आने लगता है कैमरा मॉड्यूल नॉट रेडी, कैमरा नॉट ओपन, कैमरा फेलियर, ऐसा कोई मैसेज आने लगता है। तीसरी प्रॉब्लम आती है रीस्टार्ट हो जाता है, कैमरा चालू करते हैं तो क्या हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। उसके बाद चौथा प्रॉब्लम आती है फ्रंट चलता तो बैक नहीं चलता, बैक चलता तो फ्रंट नहीं चलता, ऐसी समस्याएं आ जाती है। या कैमरा ओपन करो तो कैमरा ओपन करते मोबाइल फोन हैंग सा मार जाता है, मोबाइल फोन बंद हो जाता है, तो ऐसी समस्या आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम किसकी होती है? कैमरे की होती है। अच्छा, आप जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आ रहे हैं, सारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन में तीन तीन चार चार पांच पांच कैमरे के ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रंट में भी दो दो कैमरे लगे हुए आ रहे हैं। अगर कैमरा आपके मोबाइल फोन में एक लगा हो या दो लगा हो, इस बात से मायने नहीं रखता। कैमरे के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर बाकी कैमरा कोई डेप्थ के लिए होता है, कोई ब्लर करने के लिए होता है, लेकिन मोबाइल फोन में काम करने के लिए सिर्फ एक ही कैमरा होता है, मेन कैमरा। जो मेन कैमरा होता है उसी से क्लियरिटी आती है। अगर आप चाहो तो आप अपने मोबाइल फोन में सारे कैमरे चालू ऑन कर लो, फोटो कोई खींचो उसमें से हर एक कैमरे में अगर उंगली लगा के रखोगे तो एक ही कैमरा ऐसा होता है जिसमें आप उंगली रखोगे तो पिक्चर आपकी चली जाएगी, बाकी सब कैमरे में से कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो एक कैमरे से पिक्चर जा रही होती वही कहीं ना कहीं हमारा मेन कैमरा होता है और वो सबसे बड़ा कैमरा होता है। उसे खराब होने से हमारे मोबाइल फोन में ये समस्या आएगी कि मोबाइल फोन में कैमरा काम करना बंद कर देगा, कैमरा मॉड्यूल नॉट रेडी, कैमरा फेलियर, रीस्टार्ट, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। तो उसको हम लोग रिपेयर कैसे करेंगे, उसका तरीका हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कैमरे का सर्किट हमारा काम कैसे करता है और कैमरे को कैसे आप यूज करते हैं। बिल्कुल
जी सर, हैं बता रहे वोल्टेज ऑफ रेगुलेशन। हाँ, देखो देखो, ये आपके मोबाइल फोन में कैमरा सोल्यूशन है, कैमरा जैक लगा हुआ है। कैमरा जैक के लिए हमारे फिल्टर कंपोनेंट्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? फिल्टर कंपोनेंट्स लगे होते हैं। कैमरा एक्चुअली क्या होता है, ये हमारी सेकेंडरी सप्लाई होती है। कौन सी सप्लाई होती है? सेकेंडरी सप्लाई में आती है। दूसरी बात क्या होता है, ये सीपीयू के सेकेंडरी हिस्से में आता है। हमारा जो सीपीयू जो होता है, ये सीपीयू के काम करने के भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एक होता है लेना, दूसरा काम होता है देना। तो ये जो काम का काम करता है, ये लेने का काम करता है। किसका काम करता है? देने का काम करता है। अब जैसे यही काम ग्राफिक में भी होता है, लेकिन ग्राफिक में लेता नहीं, ग्राफिक में देता है। जब सीपीयू से डिस्प्ले सिग्नल निकल करके आते हैं, तो वो डिस्प्ले जैक पे जाते हैं, जिससे आपके मोबाइल फोन में चित्र दिखाई देता है। लेकिन इसमें रिवर्स उल्टा काम होता है। हाँ, कैमरा अपने जो सिग्नल होते हैं वो किसको देता है? सीपीयू देता है। तो सीपीयू उन सिग्नल को डिस्प्ले फिल्टर के माध्यम से डिस्प्ले को आपको दिखाता है। जो आप फोटो खींचते हो, कैप्चर करते हो, वो सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर होता है। कैमरे का काम होता है कि अपनी चीज को दिखा देना। उसके बाद तुम चाहे फोटो खींचो, तुम चाहे वीडियो करो, तुम चाहे इमेज बनाओ, तुम जो मर्जी चाहे करो, वो तुम्हारा काम है, वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर का कमाल है। उसका कैमरे से मतलब नहीं होता। कैमरे का इस बात से कोई मतलब नहीं होता है, रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी, इन सब चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं। उसका काम होता है अपने प्रीव्यू को तुम्हारे सामने दिखा देना। तुमने जैसे मोबाइल फोन लिया, मोबाइल फोन का कैमरा चालू किया, वो सामने स्क्रीन में आने लगा, और तुम रिकॉर्डिंग लगा दोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा। रिकॉर्डिंग आप ऐसे करते रहोगे तो जो स्क्रीन में वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फोटो खींचोगे तो जो फोटो कैप्चर हो जाएगा। ये कैमरे का काम नहीं, रिकॉर्डिंग करेगा। ये सब काम हमारे सॉफ्टवेयर का होता है। जब सॉफ्टवेयर किसी चीज को रिकॉर्ड कर लेता है, रिकॉर्ड करने के बाद कहाँ रखेगा? एमएमसी में रखेगा, जैसी बात अपने स्टोरेज के अंदर रखेगा। तो वो हमारे कमाल किसका चालू हो जाता है? सॉफ्टवेयर का काम चालू हो जाता है। चलिए, हमारे अगर कैमरा काम नहीं करता, कैमरे में कोई भी समस्या आती है, तो सबसे पहली बात कैमरे में क्या करना है, आपको कैमरा लेंस को साफ करना है। क्या करना है? कैमरा लेंस। देखो मैं समझा देता हूँ, पहले समझ लीजिए आप। देखो कैमरा काम कैसे करता है, आप वर्किंग की बात कर रहे हैं, तो सीपीयू के माध्यम से जो सिग्नल होते हैं, ये कैमरे से सीपीयू को जा रहे होते हैं, ये ऐसे। हाँ बिल्कुल, जब यहाँ से इसको वोल्टेज मिलेगा, इसमें दो वोल्टेज आते हैं, एक तो 1.8 से लेकर वो 2.8 तक वोल्टेज आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वी रेक वोल्टेज। ये वोल्टेज ज्यादा भी हो सकते हैं, 3-3 वोल्ट तक हो सकते हैं, कैमरे के ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला वोल्टेज आता है जिससे कैमरा काम करता है, दूसरा वोल्टेज एक और जाता है 1.0 वोल्टेज जाता है, वो कैमरा के अंदर जो क्वाइल्स लगी होती है ऑटो फोकस लेंस के लिए जाता है। आपने देखा होगा कैमरा आगे पीछे होता है, जिससे हमारी जूमिंग होती है। क्या होती है? जूमिंग होती है। तो ये उसके लिए वोल्टेज आते हैं, एक वोल्टेज, जिससे जब क्वाइल को वोल्टेज मिलता है तो क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिसकी वजह से कैमरा आगे होता है पीछे होता है। कैसे होता है? आगे पीछे होता है। तो जब आगे पीछे होता है, तभी हमारी फोटो को क्लियरिटी लाता है।
दूसरी बात क्या होता है, कैमरे को काम करने के लिए खुद के लिए वोल्टेज चाहिए। जब कैमरा चालू हो जाता है तो कैमरा क्या होता है कि स्कैनर की तरह होता है, और कैमरा के ऊपर जो लगे होते हैं लेंस, उसका मेन कमाल होता है जो फोटो को क्लियर करते हैं। अगर आप कैमरे खोल करके उसका लेंस अलग कर दोगे तो फोटो बिल्कुल ब्लर ब्लर आएगी, कुछ नहीं आएगा। वो लेंस जो आगे लगे होते हैं उस लेंस की ही खासियत होती है, इसीलिए कैमरा महंगा सस्ता होता है। वो तो पिक्सल जो बना उसकी क्वालिटी की, लेकिन लेंस जो होते हैं वही महंगे आते हैं। उस लेंस की ही क्वालिटी होती है कि आप कितनी खराब से खराब पिक्चर को अच्छा दिखा सकते हो, अच्छा नहीं दिखाता। एक्चुअली क्या होता है, पिक्चर को इतना लेंस के माध्यम से इतना शार्पनेस हो जाती है कि उसमें से क्लियरिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो कैमरे के ऊपर लेंस लगे होते हैं, वो लेंस का कमाल होता है। अगर मान लिया तुम्हारा कैमरा काम नहीं करता, शेर गिर जाता है तो कैमरा धुंधला आ जाता है, जिससे लेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब भी ऐसी दिक्कत आती है। कैमरा को हम लोग साफ सुफ करते हैं, कैमरे में धूल मिट्टी डस्ट चली जाती है, या कैमरे के ऊपर जो आगे का लेंस होता है वो खराब हो जाता है। आगे का लेंस की अगर बात करेंगे तो कोई फोन देना जरा अपना, जैसे ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में से अगर आप देखेंगे तो इसमें से तीन कैमरे बने, एक दो तीन, तीन बने। अगर तीनों कैमरे के मैं ओपन करता हूँ, देखिए इसमें से, देखिए मैंने पहले कैमरे पे उंगली रखा, कोई फर्क हुआ? उसके बाद मैंने दूसरे कैमरे पे उंगली रखा, कोई फर्क हुआ? नहीं। उसके बाद मैंने तीसरे पर रखा, देखिए बंद हो गया। तो इसका मतलब होता है ये वाला जो कैमरा है वो मेन कैमरा है, ऑन द कैमरा। ये वाला जो कैमरा है वो कैसा कैमरा है? मेन कैमरा है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो देखिए फोटो हमारी आना चालू हो जाती है। तो ये जो कर, ये मेन कैमरा यही सबसे बड़ा वाला जो लगा है, अगर उसको आप देखेंगे तो उसमें से अलग टाइप में ही दिखता है। तो मेन जो क्वालिटी रहती है वो किसकी क्वालिटी है? इसकी। अब कैमरे में क्या होता है, लेंस खराब हो जाता है। जैसे हम लोग यूज करते रहते हैं, ऐसे रगड़ते रहते हैं, घिस जाता है, चटक जाता है, तो ये जो आगे का जो लेंस लगा होता है ये खराब हो जाता है। ये इस लेंस के अंदर क्या हो जाता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कैमरा धुंधला आने लगता है। आप देखते होंगे कि पहले जब नया मोबाइल फोन लेते हैं तो बड़ा कैमरा साफ आता है, लेकिन जब कुछ दिन हो जाते हैं तो कुछ दिन होने के बाद उसकी क्लियरिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। हम लोग कितना साफ और कितना बढ़िया करते हैं लेकिन उतना क्लियरिटी नहीं आ पाता, क्योंकि जब ये कैमरा हमारे बॉडी पर ऐसे रगड़ता है तो बॉडी पर रगड़ने से इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। वो स्क्रैचेस क्या काम करते हैं, हमारी क्वालिटी को दिन पर दिन हमारी क्वालिटी को क्या करते रहते हैं, डाउन करते रहते हैं। क्वालिटी कैसी होती रहती है, डाउन होती है। जब कैमरे की क्वालिटी डाउन हो जाएगी तो हमारी पिक्चर जो होता है वो पिक्चर हमारी साफ नहीं आ पाती। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बार कैमरे को खोलते हैं, साफ करते हैं। लेंस अगर खराब होता है, गंदा होता है, तो लेंस बाजार में 15, 20, 30, 40, 60 रुपए का मिलता भी है सभी फोनों के। आप उसमें कोई वो नहीं होता, बस खाली उसका साइज चला करके उसके अंदर ग्लास चिपका देना होता है, बस आपका कैमरा काम कर जाता है। अगर फिर भी कैमरा नहीं काम करता तो सबसे पहली बात, कैमरे को काम करने के लिए कैमरे को निकाल के लगाइए, साफ सुफ करिए, चेंज करिए, कैमरा दूसरा लगाइए। कई बार ऐसा होता है कैमरा गिरने के पटकने की वजह से बहुत टूटता है, पानी में जाने की वजह से कैमरा बहुत खराब हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैमरे को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अगर तुमने कैमरा चेंज कर दिया, कैमरा चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, फिर भी आपके मोबाइल फोन में यदि कैमरा नहीं काम करता, तो अब आप क्या करेंगे, कैमरे की सबसे पहली बार वोल्टेज लाइन को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, कैमरे के पास में जो कैपेसिटर लगा होता है उस कैपेसिटर में चेक करेंगे। तो यहाँ से काम करने के लिए कितना वोल्टेज आता है, 1.8 से लेकर के 2.8। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा वोल्टेज, आएगा कितना वोल्टेज आएगा, 1.8 से लेकर 2.8 वोल्टेज आएगा। अगर ये वोल्टेज आता है तो इसका मतलब होता है हमारा कैमरा काम कर रहा है। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारा कैमरा काम नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग वोल्टेज को चेक करेंगे। अगर हमने वोल्टेज चेक कर लिया, वोल्टेज चेक करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, फिर भी आपके मोबाइल फोन में कैमरा नहीं काम कर रहा है, तो आप इसको ऑटो फोकस को चेक करेंगे। ऑटो फोकस चेक करने के बाद फिर भी प्रॉब्लम सेम है, तो कैमरे को क्या करेंगे, कैमरे के पास में जो फिल्टर लगे होते हैं, फिल्टर को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर ये फिल्टर खराब हो जाएंगे, इसमें पानी चला जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, तो ये हमारे फिल्टर खराब हो जाते हैं। फिल्टर खराब हो जाते हैं तो फिल्टर को हम लोग दोस्तों हटा देते हैं। फिल्टर हटाने के बाद बिल्कुल इनकी जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं, फिल्टर खराब होने पर जंपर मार देते हैं। जंपर मारने से हमारे डायरेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट होने के बाद हमारा काम करना चालू कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कैमरे को चेक करते हैं, कैमरे को चेक करने के बाद उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इस सर्किट को बना लीजिए एक बार। Thank you.
ठीक है।